नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए आप लाइसेंस कैसे लें, फार्मेसी केमिस्ट शॉप ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस कैसे लेना है, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आप कैसे इस लाइसेंस को ले सकते हैं इजीली, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, फार्मेसी ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं ड्रग लाइसेंस। उस लाइसेंस के बिना आप शॉप को ओपन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मैं एक पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बताया गया है कि आप कैसे अपना मेडिकल जो लाइसेंस है वो आप ले सकते हैं शॉप ओपन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बिजनेस को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। रजिस्टर करने के सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि आपके पास ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले। तो जो फार्मेसी का बिजनेस है उसमें जो ड्रग की लाइसेंस होती है वो स्टेट के कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दो तरह के लाइसेंस मिलते हैं, ठीक है, एक होलसेल लाइसेंस और एक रिटेलर लाइसेंस, ठीक है। तो जो होलसेल ड्रग लाइसेंस है वो आपको ड्रग्स और मेडिसिन के लिए आपको मिलता है, और जो रिटेल ड्रग लाइसेंस है वो एक पर्सन को इशू होता है जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा हो फार्मेसी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी है कि अगर आप रिटेल केमिस्ट शॉप ओपन करना चाहते हैं, फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं, तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो फार्मेसी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। ड्रग लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले एरिया, आपके पास मिनिमम जो है 10 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए कोई भी मेडिकल शॉप ओपन या फार्मेसी ओपन करने के लिए। उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी में आपके पास एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर होना चाहिए ताकि आप वैक्सीन और इंसुलिन इंजेक्शन को रख सकें। टेक्निकल स्टाफ में आपको बता दें कि होलसेल में आप जो ड्रग लाइसेंस है वो एक्सपीरियंस जो है 1 साल का किसी आदमी के पास एक्सपीरियंस है ड्रग डीलिंग में उसको रख सकते हैं, और रिटेल में आपने जिसके नाम पे लिया है लाइसेंस को, जिसके पास डिग्री है या डिप्लोमा है फार्मेसी में, उसी को वर्किंग आवर में उसको रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 12 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बताए हैं। ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, आपको एफिडेविट तैयार करना होगा। अगर आपने अगर बिजनेस शुरू किया प्रोपराइटर में या पार्टनर में या कंपनी के तौर पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसका एफिडेविट लगेगा आपको। फिर उसके बाद आपको एफिडेविट चाहिए रजिस्टर फार्मेसिस्ट, ठीक है, और उस पर्सन को जो फार्मेसिस्ट है उस पर्सन को वर्किंग आवर में रहना है, और आपको अपने ड्रग लाइसेंस के लिए चालान देना होगा, फीस डिपॉजिट करना होगा, आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ और आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो ये जितने तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबको आप इस पेज पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और ये जो indiafiling.com है ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मदद करता है। तो आप अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं फार्मेसिस्ट का तो आप इस वेबसाइट पे जाके इनसे कांटेक्ट करें, और ये जो indiafiling.com है वो आपकी पूरी तरह से मदद करेगा आपको ड्रग लाइसेंस लेने में। तो इनसे कोई भी सवाल हो तो आप इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, और ये आपको लाइसेंस रेडी करवाने में आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। तो खास करके अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं तो आप ज़रूर इनकी मदद लें और अपने बिजनेस को सेटअप करें। एंड कोई और सवाल हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।